कांग्रेसियों ने इन लोगों को लगभग 75 साल से किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि अगर हम विकास की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, तो वो कभी भी उनको वोट नहीं देगा। कि कांग्रेस आज भी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को बंधुआ मजदूर के जैसा यूज करता है, तो ये डुगडुगी बजा रहे हैं कि बहुत बड़ा नेत्री थी, आईपीएल में गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आईपीएल में क्यों गई थी? इन्होंने जिसकी हत्या करवाई, दो निर्धन परिवार, लाश की राजनीति करके विधायक बनने का काम किया, मगर विधायक बनने के बाद उनका आंसू पोंछने का काम इन्होंने नहीं किया। और अनुकंपा में एक बार नौकरी मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। उनको मौत के मुंह में ये झोंक के और अपने विधायक बन गई, बाकी सबको आज सजा करवा कर। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने कार्य में लग गए हैं। आज आजसू पार्टी कार्यालय में अल्पसंख्यकों की एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसका नेतृत्व पूर्व विधायक पाकुड़ के अख्तर साहब जी हमारे साथ हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर, क्या कारण है जब चुनाव आता है तो लोग अल्पसंख्यकों को खोजने लगते हैं? सर, असल में आपका सवाल जो है बहुत ही आपने एकदम मैंने पकड़ गए हैं कि क्या कारण है कि चुनाव के वक्त में सब अपना अल्पसंख्यक को ज़्यादा तलाशते हैं। ऐसे लेकिन हमारे अल्पसंख्यक को तलाशने का मतलब ये है कि जहां भी हो, दो चार, दस, बीस, पचास हज़ार वोट का रखता है, लेकिन ये हमारे वोट को एकदम हल्का समझते हैं, लोग हल्का समझते हैं। इसलिए कि हमारी कम्युनिटी जो है इस चीज़ पे बहुत ही सोच बूझ काम करते हैं कि हम आपको कहाँ विकास मिलेगा, कि यहाँ हमको कहाँ देने से, वोट देने से अच्छा रहेगा, नेता मेरा क्या है, क्या विकास किया है, इस चीज़ को हम लोग नहीं देखते हैं। सर, एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अगर कहा जाए तो सबसे सीधा कौम अल्पसंख्यक है, लेकिन उसको बराबर हर राजनीतिक दल बेचने का काम कर देता है, क्या कहेंगे? असल में हमारे राजनीतिक दलों को मालूम हो गया है कि कांग्रेसियों ने इन लोगों को लगभग 75 साल से किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और बगैर दिए, बगैर रखे, बगैर एजुकेशन के, बगैर तालीम के, तमाम चीज़ को छीनने के बाद भी उनको अपनी तरह माइल कर लेते हैं, और चुनाव के वक्त में उन्हीं की तरफ उनको ऐसी चीज़ पर उनको वलालार देते हैं जिससे वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी जो खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, और वो कोई माने नहीं रखता है। मुद्दा ऐसा मुद्दा खड़ा कर देते हैं कांग्रेसियों ने, खासकर कांग्रेसियों ने दूसरे पार्टी के एतबार से। वो जानते हैं कि अगर हम विकास की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, तो वो कभी भी उनको वोट नहीं देगा। वो विकास की बात किसी मैदान में जाके करते ही नहीं हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात जाकर करके और आसान हो जाता है। हमारी कौम जो है इस चीज़ पे ज़्यादा उग्र हो जाता है। इतनी बड़ी फौज हमारे साथ आजाशु कार्यालय में बैठा है, आपके साथ बैठा है, और इतनी बड़ी तत्परता से आपकी बातों को सुनाना, आपने एक एक बिंदु को बताया है, क्या ये आने वाले चुनाव में तब्दील हो पाएगी? देखिए, आने वाले चुनाव क्या, इंशाल्लाह मैं तो उम्मीद रखता हूँ पूरे झारखंड में इसी तरह चलेगा मेरा कैंपेन, पूरे झारखंड में चलेगा, यहाँ तो होगा ही, ये मैं ठुक के बोलता हूँ, इंशाल्लाह होगा। और हम लगे हुए हैं, और अच्छा जो हकीकी चेहरा है उन लोगों का, उन चेहरा को जब हमारे सीधे साधे कौम और लोगों को हकीकी चेहरा को नहीं दिखाएंगे उनके सामने, तब तक ये सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। इसलिए हम लोग उतरे हुए हैं, और आजसू पार्टी का बहुत बड़ी आज देन है कि इन्होंने हमारे झारखंड के अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके इस पार्टी में ज्वाइन कराया है। सर, एक सवाल और मैं पूछूंगा, आपके पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, और समाज के लिए आप काम करते हैं। पाकुड़ जो क्षेत्र है और साहेबगंज जो क्षेत्र है, जहां ईडी की भी जांच चल रही है, क्या कारण है, क्या लगता है कि वहां ईडी को पहुंचना पड़ा? कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव वहां दिख रहा है? देखिए, वो सब चीज़ों में तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन जिसके पास जो हमारे प्रतिनिधि है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे लोग चला रहे हैं, वही जानेंगे क्या कारण है। हम तो देखते हैं कि मेरा पहाड़ खाली हो रहा है, मैं जहाँ कि मेरी संपत्ति जा रही है, लेकिन आ नहीं रहा कुछ, यही मैं देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आज अगर हमारे झारखंड से और साहेबगंज से कोयला खाली हो रहा है तो ज़मीन खाली हो रही है, पत्थर जा रहा था, पत्थर खड़ा है, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं लगती है, कोई एजुकेशन, कोई यूनिवर्सिटी नहीं लगती है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है, वो मैं जानता हूँ जा रहा है। और क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो मैं नहीं बोलूँगा, ये हमारी सरकार खुद जानती है, इस चीज़ में हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन खाली हो रहा सही, लेकिन आ नहीं कुछ रहा, ये मैं देखता हूँ। सर, आप अपना नाम बताएंगे, बड़ा वजस्वी भाषण आप दे रहे थे। मेरा नाम है अब्दुल अंसारी, आज जो आपने कहा
कि इतनी तादाद है लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता, बड़ी बदनामी होती है, आज ऐसा कहने की नौबत क्यों आ गई? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये झारखंड में, झारखंड नहीं पूरे देश में कांग्रेसियों ने माइनॉरिटी के बीच में खास करके मुस्लिम वोटर के दिमाग में जंजीर में जकड़ के सदियों से रखा है, और सदियों से जब रखा है तो उसी भ्रम को हम लोग तोड़ने के लिए आईना दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आज भी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को बंधुआ मजदूर के जैसा यूज करता है, और मुस्लिम भी कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान के कार्ड पे, मुस्लिम भी कहीं ना कहीं पे अपने आप को ये सोचता है कि मेरा कांग्रेस ही सब कुछ है, लेकिन उसका रिजल्ट जब आता है सामने, जो लोग राजनीति करते हैं जिनके अंदर में वो क्षमता है परखने का, जैसे अभी हमारे अकील अख्तर साहब कह रहे थे, वो जानते हैं कि कांग्रेसी अभी इनके यहाँ आज भी जो ठेकेदार है हिंदू मुस्लिम करने के लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उन लोगों को तो इस बार यहाँ रामगढ़ उपचुनाव से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, इस बार उन लोगों को आईना दिखाएंगे। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जिस तरह मुसलमानों को दिग्भ्रमित करके, पिछले बार भी उससे पहले भी दिग्भ्रमित करके ये हो गया, कांग्रेस एक पेटेंट मान लिया है, उसको कैसे तोड़ेंगे? इंशाल्लाह इस बार टूटेगा, इस बार टूटेगा। अब धीरे धीरे आजसू के तरफ मुस्लिम का झुकाव जब बढ़ रहा है तो अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगा। तो आज थोड़ा सा मैं बड़े भाई से भी जानकारी लूँगा, सर किस तरह का बजरंग की उपलब्धि है बताएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2019 में चाहे जो भी वजह रहा, इमोशनल कार्ड खेल के उन्होंने सत्ता हासिल किया, और यहाँ के लोगों ने, खास करके हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने एकमुश्त उनको वोट देकर सुशोभित करने का काम किया। मगर मैं भी एक मतदाता हूँ, दिल में कहीं ना कहीं कसक है कि इतना बड़े लॉकडाउन में आज तक उन्होंने कभी आकर कंधे पे हाथ रखने का काम नहीं किया, और आज जो मैंने अभी न्यूज़ पढ़ा कि इनका भी कलई खुल गया कि 3 वर्षों में इन्होंने अवैध 56 करोड़ जो धन अर्जित किया, तो ये डुगडुगी बजा रहे हैं कि बहुत बड़ा नेत्री थी, आईपीएल में गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आईपीएल में क्यों गई थी, इसको कम से कम उजागर किया जाए। इन्होंने एक संस्था बनाकर, जन चेतना मंच बनाकर वहाँ पे आंदोलन किया था, उस समय ये कांग्रेस की नेत्री नहीं थी, इनका निजी स्वार्थ था इसलिए फैक्ट्री गई हुई थी, और इन्होंने जिसकी हत्या करवाई, दो निर्धन परिवार, उनके मांग का सिंदूर उड़ गया, उनके बच्चे आज मतलब टूअर और यतीम हो गए, मगर विधायक बनने के बाद इन्होंने उनकी सूद लेना, अबर ये है उम्मीद लगता है। एक मिनट देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इन्होंने लाश की राजनीति करके विधायक बनने का काम किया, मगर विधायक बनने के बाद उनका आंसू पोंछने का काम इन्होंने नहीं किया, और आज अगर उनके यतीम बच्चे अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यही चंद प्रकाश चौधरी का देन है कि इन्होंने उसके परिवार का लालन पालन के साथ उनके बच्चों का एजुकेशन दिया। तो ये मामला जरूर आप लेके जाएंगे, बजरंग का जो विफल है, ममता का जो विफलता है, ये जरूर उठेगा चित्रपुर में, आप इस बार लीडिंग देंगे? नहीं, यहाँ पे देखिए अभी जैसे जैसे जिसको मठाधीश बोलते हैं, अनुकंपा वाले विधायक आके यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनको जमीन में उतर के देखना चाहिए अपने विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा से तुलना करके, कि यहाँ पे विकास के नाम पे वोट होता है, इमोशनल कार्ड बार बार नहीं चला जाता, और अनुकंपा में एक बार नौकरी मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि आप दारू शराब पिला देते हैं, इमोशनल कार्ड खेल देते हैं। देखिए दारू शराब विपक्ष के पास, मैं तो कहता हूँ कि आप बैठिए हमारे साथ और विकास के मुद्दे पर वोट मांगिए, अगर आपने 3 वर्षों में कुछ किया है तो जनता आपको वोट देगी, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, और 40 स्टार प्रचारक की भी आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी बात, अभी यहाँ पे 13 लोगों को सजा हुआ है, तो ममता देवी में सुरखाब का पर नहीं है ना, बाकी जो 12 लोग हैं जिनका परिवार आज त्राही माम कर रहा है, उनका सूद लेने वाला कौन है? ये कांग्रेस के नेताओं से पूछने की जरूरत है, उनके घर में भी रोजी रोटी नहीं चल रहा, उनको मौत के मुंह में ये झोंक के और अपने विधायक बन गए, बाकी सबको आज सजा करवा कर उनके घर का दिया बुझाने का कर प्रयास इन्होंने। तो ये IPL गोलीकांड का भी बात बड़ा अच्छा ढंग से रखा, और ममता ही नहीं है, उनके अलावा और लोग जेल में गए हैं और जेल की सजा काट रहे हैं, सवाल अच्छा है, लेकिन हकीकत क्या है? अल्पसंख्यकों के वोट को लेकर तमाम तरह की राजनीति होती है, अल्पसंख्यक वोट कैसे लिया जाए उसको लेकर के लिए सभी दल के लोग कदम ताल कर रहे हैं। आने वाले दिन में हमारे
पाकुड़ के पूर्व विधायक का कितना असर होगा यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा, और आजसू को कितना फायदा नुकसान होगा ये भविष्य के गर्भ में है। राज समर्पण के लिए जयंत कुमार रामगढ़ के साथ रितेश कश्यप।